राहुल सोनिया को सलाह, कहा आपको और मम्मी जी को अपने स्त्री विरोधी गुंडों के लिए नई स्पीच राइटर की जरूरत। कश्मीर के शोपिया में एनकाउंटर, 3 आतंकी ढेर, एक दहशतगर्द कश्मीरी पंडित पूरन भट्ट की हत्या में शामिल था। अमेरिकी संसद में हिंसा के जिम्मेदार ट्रंप, 1000 चश्मदीदों के बयान के बाद जांच कमेटी बोली राजद्रोह का केस चले। रूस ने ईरानी सुसाइड ड्रोन से किया कीव पर हमला, पावर स्टेशनों को बनाया निशाना। फीफा की टीम में रोनाल्डो, नेमार नहीं, मेसी, एम्बापे, वर्ल्ड कप जीतने वाली अर्जेंटीना के 2 हारने वाली फ्रांस के लिए 4। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी हैं। यहां बीते दिन कड़ाके की ठंड को देखते हुए सीएम योगी ने जिले के रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेलवे स्टेशन, कचरी बस स्टैंड और झूलेलाल मंदिर स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। साथ ही रैन बसेरा में रहने के दौरान आने वाली दिक्कतों के बारे में जानकारी ली। साथ ही रैन बसेरा में आश्रय लेने वाले लोगों को कंबल के साथ भोजन भी कराया। और नगर निकायों को भी इस बात के लिए निर्देश दिए गए हैं, एक रेन बसेरे को व्यवस्थित रूप से संचालित करें, इसमें स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लें, हर जरूरतमंद को, जो भी बेसहारा हो या कहीं बाहर से आया है, बोला भटका है, सड़कों पर, पटरियों पर छिटुरता हुआ न दिखाई दे, उसे रेन बसेरों में पहुंचाने की व्यवस्था करें और वहां पे उन्हें सम्मानजनक ढंग से। सीएम योगी लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। 22 तारीख को सभी विदेश जाने वाले मंत्री सीएम के सामने प्रेजेंटेशन देंगे। विदेश जाने वाले मंत्री अपने अनुभव को साझा करेंगे, साथ ही विदेश जाने वाले अधिकारी भी प्रेजेंटेशन में रहेंगे। अहम बात यह है कि इस प्रेजेंटेशन में निवेश को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रेजेंटेशन के माध्यम से सीएम निवेशकों की मंशा समझेंगे। हरदोई में क्षत्रिय महासभा की ओर से जिले के लोनार कोतवाली क्षेत्र के इटोरिया ग्राम प्रधान रंजीत सिंह पर पुनः जिला बदर की कार्रवाई किए जाने का विरोध करते हुए संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया। साथ ही कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए मामले में उच्च स्तर जांच की मांग की गई। महासभा की ओर से जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि रंजीत सिंह पर राजनीतिक विस्तृत के चलते कई मुकदमे लिखवाए गए हैं। वो ग्राम इटोरिया का प्रधान रंजीत सिंह है, जो विगत दिनों से जिला बदर चल रहा था गुंडा एक्ट में, वो भी फर्जी मुकदमों के आधार पर उस पर गुंडा एक्ट लगाया गया था। वो जिस दिन उसकी गुंडा एक्ट की अवधि ख़त्म हो रही थी, उससे 2 दिन पहले वो एक कार्यक्रम में धोखे से आ गया था। वहाँ लोनार पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसके विरुद्ध धारा 10 का मुकदमा पंजीकृत कर दिया। लेकिन उसके बाद में लोनार पुलिस ने उसको दोबारा जिला बदर करने की रिपोर्ट दे दी और डीएम साहब ने बगैर परीक्षण किए, बगैर नोटिस दिए, गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र संगम पार्क के पास एक 11वीं क्लास की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक इरफान नाम के लड़के ने लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ अश्लील कृत्य करते हुए एक वीडियो बना ली थी। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो लड़की आहत होकर आत्महत्या कर ली। वहीं अब पूरे मामले की सूचना मिलते ही पुलिस आरोपी और उसके परिवार की तलाश में जुट गई है। फिलहाल आरोपी और उसका परिवार फरार चल रहा है।
सूचना मिलती है कि एक युवती द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। तत्काल खोड़ा पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेके आगे की वैधानिक कार्रवाई की गई। इसके साथ ही पिता द्वारा तहरीर प्राप्त की गई और मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पिता द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिससे क्षुब्ध होकर लड़की द्वारा आत्महत्या कारित की गई है। तत्काल सर्व संबंधित की गिरफ्तारी हेतु 6 टीमों का गठन किया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश की जा रही है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पता चला कि पहले इस छात्रा की वीडियो, आपत्तिजनक वीडियो किसी इरफान नाम के व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई थी, जिसके बाद बवाल हुआ था और कार्यकर्ताओं से संज्ञान में लेने के बाद पता चला कि वो बहुत ज़्यादा ही आपत्तिजनक वीडियो थी। उसके बाद परिवारजनों को सूचना मिली और आज जानकारी ये मिली है कि उन्हें आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। कहा जा रहा है कि उस लड़की का पीछा काफी समय से किया जा रहा था, जो कि वो कल्याणपुरी में पढ़ने वाली छात्रा थी, एक बारहवीं क्लास में। इरफान की जानकारी ली गई, इरफान के बारे में पता किया गया कई कार्यकर्ताओं से, गांजा पीने वाला नशेड़ी किस्म का आदमी था और इरफान के कई सारे मित्र ऐसे हैं जो हरदोई में शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सरकारें तमाम तरह के प्रयास कर रही हैं, बावजूद इसके शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी बेहतर सुधार होते नजर नहीं आ रहा है। जिले में एक राजकीय महाविद्यालय में शिक्षकों का अभाव इस कदर है कि यहां के छात्र छात्राओं को पढ़ने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, जिसको लेकर लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक पिहानी कस्बे में राजकीय महाविद्यालय में शिक्षकों के अभाव के चलते छात्र छात्राओं ने मुख्यालय आकर अधिकारी को एक शिकायती पत्र भी सौंपा है। आपको बता दें कि हरदोई शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी का गृह जनपद भी है। कोई भी अध्यापक नहीं है सर वहाँ पे, और पढ़ा मतलब प्रोपरेशन करने में काफी तकलीफें होती सर। फर्स्ट सेमेस्टर से सर आए थे तो वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का टीचर था, मतलब बायोलॉजी के थे, वो चले गए, तब से कोई भी नया टीचर अभी तक नहीं आया सर। प्राचार्य से भी कई बार हमने लोगों ने कहा तो सर वो कहते हैं कि मतलब कोई सुनवाई नहीं, ऊपर प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं है सर। इसी के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जी के पास भी गए थे सर, वहाँ भी सर बताया तो वहाँ पे वो थी नहीं, जो मतलब माननीय रजनीत जी थी वो थी नहीं वहाँ पे। मैं सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के कोई टीचर नहीं है सर। नेक्स्ट मंथ हमारा एग्जाम भी होने हैं सर, हम लोगों को पढ़ने में सर बहुत प्रॉब्लम होती है सर, अभी तक प्रिपरेशन ही नहीं हो पाई है सर। नेक्स्ट मंथ एग्जाम है तो हम लोग एग्जाम कैसे देंगे सर, लैब भी नहीं करवाई जाती है सर, प्रैक्टिकल भी होने हैं तो लैब भी हम लोग नहीं कर पाते सर। वहाँ पे लाइब्रेरी है लेकिन बुकें जो उसमें है उन लोगों का सिलेबस मैच नहीं होता, क्योंकि हम लोग की यूनिवर्सिटी चेंज हो चुकी है। यहाँ किसके पास आएंगे सर? डीएम के पास हम लोग सर गए थे, माननीय सर शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी सर उनके पास भी हम लोग जा चुके हैं सर। और सर आजमगढ़ में मुकेरीगंज स्थित सभागार में नगर पालिका चुनाव के संबंध में बीजेपी जिला अध्यक्ष सदर ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दयाशंकर मौजूद रहे। इस अवसर पर परिवहन मंत्री ने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में जोश भरते हुए कहा कि आपका उत्साह देखकर ये विश्वास हो गया है कि आप सभी कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका चुनाव जीतने का मन बना लिया है। हम सिर्फ नगर पालिका चुनाव ही नहीं जीतेंगे बल्कि भारी अंतर से नगर पालिका चुनाव भी जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारी सरकार देश का विकास है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, जो हमारे वार्ड संयोजक, वार्ड प्रभारी, जो पार्षद, वर्तमान पार्षद हमारे लड़े हुए पार्षद, जो हमारे जितने पूर्व प्रत्याशी हैं वो, और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, आज हम लोग आजमगढ़ नगर पालिका के चुनाव के दृष्टि से आज ये बैठक थी और इस बैठक में हम लोग आगे के अपने जो भी संगठनात्मक के योजनाएं हैं उस योजनाओं को आज जो है हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे। औरैया में सर्दी से बचने के लिए प्रशासन की तरफ से किए गए इंतजाम का रियलिटी चेक किया गया। जानकारी के मुताबिक प्रशासन के इंतजाम का रियलिटी चेक प्राइम टीवी इंडिया ने किया। शहर में सुभाष चौक, जिला अस्पताल, संजय गेट, तहसील तिराहा सहित प्रमुख स्थानों पर अलाव जल रहा था, साथ ही लोग सर्दी से बचने के लिए आग का सहारा लेते दिखे। वहां पर लोगों ने सरकार और प्रशासन के इंतजाम को सराहा।
इस समय आप जो है अलाव पर ताप रहे हैं, तो ये जिला प्रशासन के द्वारा जो सरकारी अस्पताल से अलाव जो है जलवाया गया है, ये कितने दिन से जलवाया जा रहा है? 3 दिन से जल रहा है। 3 दिन से लगातार व्यवस्था ये शाम को अलाव की मिल रही है। हाँ जी। इस पर आप जिला प्रशासन को या सरकार को क्या कहना चाहेंगे? ये बढ़िया है, अलाव जल रहा है, ताप लोग तापते हैं। आप जो है अलाव पर ताप रहे हैं, क्या वजह है आप इस अलाव पर रुके हुए हैं? बस के इंतजार में। कहाँ जाना है आप? कानपुर। और यह में जो है अलाव व्यवस्था आपको कैसी लगी? बढ़िया है, अच्छी लगी। फरुखाबाद में थाना जहानगंज के गांव पकिरिया में वृद्ध ने महिलाओं व ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं महिलाओं ने डीएम कार्यालय के बाहर अमृतपुर के भाजपा विधायक सुशील शाक्य के खिलाफ नारेबाजी की। डीएम कार्यालय में मौजूद अतिरिक्त एसडीएम ने वृद्ध से बातचीत की और कार्रवाई का आश्वासन देकर प्रार्थना पत्र लिया। वहीं बीजेपी विधायक ने इस मामले में पलटवार करते हुए कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र है, मुझे इस राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। मामला आया था भोपतपट्टी। भोपतपट्टी किस रोड में? मंडी रोड। आईटीआई से मंडी रोड। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे क्या हो गया है? वहाँ पे था मेरा प्लाट 98 थे, उसमें न्यास भरी हुई, तो सुशील साहब ने उसको लेखपाल को ले जाकर के इसमें अपना बीच में साहब बनाने लगे। कल क्या घटना हो गई थी? कल साहब यह थी, हमारी बाउंड्री इसमें भरी हुई थी, तो उसमें ज्यादा जीवित जेसी थी तो साहब उसको तोड़वाने लगे। हमारी पुश्तैनी परिवार की है, उसके पड़ोस में काटा संख्या 11 है भूपत पट्टी में ही, जिसमें कुछ भूमाफियाओं ने उस नंबर को खरीद के उस पर प्लॉटिंग की है। उसी में से एक रामासरे नाम के व्यक्ति ने भी एक प्लॉट लिया और हमारे 512 नंबर के भूखंड में 15 फीट बाई 105 फीट। और सुशील साहब हमारा प्लाट जो है जबरदस्ती गुंडागर्दी, गुंडागर्दी और जबरदस्ती और गुंडई के बल पर कब्जा करना चाहता। रात को जेसीबी लेकर गया, 50 बदमाश और गुंडा लेके गया और हमारे पास में 10-12 आदमी थे, सबको भगा दिया है। जब पुलिस प्रशासन आया तब जाके उसके 2 बदमाश पकड़े भी गए थे और पुलिस भी उसके साथ में बाद में ले जाकर उनको छोड़ दिया है। आजमगढ़ के मडिया स्थित बीजेपी के नेता राकेश सिंह ने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में टिकट वितरण का आधार जीत का ही होगा। सभी कार्यकर्ताओं को जो पार्टी से जुड़े हैं उनको टिकट मांगने का अधिकार है। पार्टी लोकतांत्रिक है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं में से जो सबसे ज्यादा जीत का दावा रखता है उसको ही टिकट दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ज्यादातर समय उनके पार्टी की और उनके परिवार की सरकार रही है। इस दौरान लोगों के बीच ज्यादा अलगाव हुआ है, इसलिए वो उसको जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, कांग्रेस का यहां पर अस्तित्व खत्म हो चुका है। कोई भी जब बड़ी बोइंग आएगी, अभी छोटी बोइंग वहां उतर जाती है, लेकिन यदि बड़ी बोइंग आएगी, आजमगढ़ बड़ा सेंटर है भाई दिल्ली से, या मान लीजिए कि यहाँ के लोग बहुत विदेशों में भी रहते हैं, तो सब बड़ी बड़ी जो बोइंग आएंगी तो उसके विस्तार आवश्यक है। बिना विस्तार के लिए वो एयरपोर्ट जो है, जो जिस अनुरूप हम लोग चाहते हैं वो नहीं बन सकता। जो किसानों का आज तो किसान चाहते हैं कि मेरा एक्वायर किया जाए, ये कुछ तथाकथित लोग होंगे जो इसका विरोध कर रहे होंगे। आज इतना पैसा मिल रहा है, आज 4 गुना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा मिल रहा है।
रायबरेली में बचरावा थाना क्षेत्र के सहगो पश्चिम गांव में एक महिला ने अपने पति की निर्मम हत्या कर घर के बाउंड्री वॉल पर शव को फेंक दिया, जिसके बाद परिजन कुछ काम से घर के बाहर निकले तो देखा शख्स का शव पड़ा हुआ था। फिलहाल परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की। पुलिस की जांच पड़ताल में कुछ दिन के अंदर हत्या का सच निकल कर सामने आ गया। फिलहाल पुलिस ने पत्नी पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और पूछताछ कर रही है। बछरावा पर 112 की सूचना प्राप्त हुई कि सहंगो पश्चिम नाम के गांव में एक युवक की डेड बॉडी उसी के घर में गेट के पास पड़ी हुई है और देखने से ऐसा लगता है कि उसकी हत्या हुई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर बछरावा, सीओ महाराजगंज और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। उसने घटनास्थल का निरीक्षण किया, लोगों से पूछताछ की और तत्काल FIR दर्ज की और उसमें दो दिन के प्रयास के बाद आज बछरावा की पुलिस ने इसका खुलासा किया और फॉरेंसिक की टीम के जो साक्ष्य एकत्र किए गए। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।